पूर्व नेता प्रतिपक्ष और राजस्थान कृषि उद्योग विकास बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर डूडी का 1 जुलाई को जन्मदिन है, लिहाजा ऐसे में डूडी के जन्मदिन को एक अलग रूप में मनाने के संकल्प के साथ शेखावटी विधि विश्वविद्यालय के छात्र और छात्र नेता आज डूडी के आवास पर जुटे, जहां डूडी के जन्मदिन को शहीद परिवार और किसान सम्मान समारोह के रूप में मनाने का संकल्प लिया गया। इस दौरान एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। आप भी सुनिए कि आखिर इस दौरान रामेश्वर डूडी और शेखावटी विधि विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। सभी मेरे साथियों को बहुत ही धन्यवाद देते हुए, जिस तरीके से उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट जो है ना लेके आए कि सीकर जिले के अंदर, क्योंकि ये शहीदों का इलाका क्षेत्र रहा है झुंझुनू और सीकर, उस सीकर जिले के अंदर जितने भी शहीद परिवार हुए उनका सम्मान समारोह मेरे जन्मदिन के अवसर पर रखा, और साथ में सीकर और झुंझुनू और आसपास के इलाकों के जो प्रोग्रेसिव किसान, उन किसानों में एक ललक है, एक नई जागृति लाना चाह रहे हैं किसानों के अंदर, उन किसानों को भी बुलाकर उनकी समस्याएं उनकी दिक्कतें और बैठ के उनका भी मान सम्मान किया जाएगा। तो किसान और शहीद परिवार सारे जो यूथ साथी है उनके द्वारा मान सम्मान किया जाएगा, तो एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा पूरे इलाके के अंदर, क्योंकि हमारी शहीदों के प्रति जो आदर मान सम्मान जो सत्कार है वो मैं भी चाहता हूँ। मैं भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ ऐसे प्रोग्राम, जिस तरीके से साथियों ने जो एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, ये बहुत अच्छा जो है आम आदमी के जो आम आदमी का जो सोच है, और हर जवान जो चाहता है कभी हमारे शहीदों का मान सम्मान हो, हमारे किसानों का मान सम्मान हो, उनकी शहीदों की भी आज तक जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए परिवार को, वो सुविधाएं आज तक जो है कई परिवारों को मिले, चाहे उनके जो है ना जमीन अलॉटमेंट की बात है, चाहे और दूसरी जो है दिक्कतें समस्याएं जो है उनको समय रहते उनका निवारण करना चाहिए। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जो यूथ साथी है, जो प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए सभी साथी है, वो इसमें अग्रणी भूमिका निभाते थे, उनकी समस्याओं का समय रहते सरकार से बैठ के बातचीत करके उनका समाधान करने के अंदर पूरी कोशिश करेंगे, ऐसे किसानों की करेंगे, क्योंकि प्रदेश का किसान जब तक सशक्त और मजबूत नहीं होगा तब तक हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाई पर नहीं जा सकता। इसलिए हमारे साथियों के द्वारा जो सोच जो मन जो विचार वो आम जो खेत और खलिहान के अंदर नियत है, उन्हीं जो अन्नदाता को बुलाकर उसका मान सम्मान करना एक बहुत बड़ा फर्ज और कर्तव्य है हमारे यूथ समझते हैं, और उसी कर्तव्य फर्ज का निर्वाह करने का काम सभी युवा साथी एकता संगठन से कर रहे हैं। जिले से पूर्व नेता प्रतिपक्ष कैबिनेट मिनिस्टर श्री रामेश्वर जी डूडी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाले शहीद सम्मान समारोह एवं किसान सम्मान समारोह का पोस्टर विमोचन कराने के लिए सीकर शहर से आए हैं। इस प्रोग्राम में प्रदेश के 300 किसानों जो प्रोग्रेसिव किसान उनको सम्मानित किया जाएगा, साथ में जिले के आज तक के सारे शहीद परिवार द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से लेकर आज तक के शहीदों का परिवारों का सम्मान किया जाएगा, उनकी समस्या सुनी जाएगी, जिसमें राजस्थान सरकार के कई कैबिनेट मंत्री उपस्थित होंगे, स्थानीय विधायकगण उपस्थित होंगे, और उनकी समस्याओं को जल्द वहीं निपटारा करने का हम प्रयास करेंगे, साथ में उनका मान सम्मान करेंगे।